इस पूरे सीरीज़ में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगा, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कि भाई ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ओके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक छोटी सी चीज़ वो है कि जैसे कि अगर मैं एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, तो उस न्यूट्रल एटम का एक्चुअली होगा क्या। लेट्स से कि ये एक न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन एटम है, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है, ओके। हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 8। और आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इट मीन्स कि इस ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी 8 है। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट ऑक्सीजन जो एटम है ये एक न्यूट्रल एटम है। दैट मीन्स कि इसके पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है एटम को। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो इसके पास प्रोटॉन कितना है, 8। तो इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा, 8 होगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 है, ओके। तो ये जो एटम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इसके नेट चार्ज की बारे में बात करूं तो वो नेट चार्ज कितना होगा, तो देखिए नेट चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नेगेटिव प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये रहा मेरे पास नेट चार्ज। तो नेट चार्ज के लिए देखिए मेरे पास कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स 8 प्रोटॉन होने का मतलब है कि इसके पास 8 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पास 8 पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसके पास 8 नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इन चार्ज को ऐड करूँ तो ये 0 आता है। दैट मीन्स कि ये जो एटम है ऑक्सीजन एटम वो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, ओके। अगर यहीं पे इस ऑक्सीजन एटम में मैं कुछ चेंजेस लाऊं, मतलब अगर इस ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो लेट्स से कि इस एटम में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, एक वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ओके। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए जब भी इस ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस एटम के पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 पहले से था और हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, ओके। और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हमने प्रोटॉन्स को ना ही ऐड किया है ना ही सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसके पास, इस ऑक्सीजन एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे 8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 9। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, क्योंकि हमने ना ही प्रोटॉन को ऐड किया है ना ही सब्ट्रैक्ट किया है, यानी ये 8 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट चार्ज कितना है इस एटम के पास, तो नेट चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, इस एटम के पास टोटल जितना चार्ज है उन सारे को ऐड करते हैं। तो नेट चार्ज इज इक्वल्स टू, इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
8 प्रोटॉन्स होने का मतलब इसके पास 8 पॉजिटिव चार्ज है, और 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके पास 9 नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इन चार्ज को ऐड करता हूँ तो हमें मिलेगा -1, दैट मीन्स कि ये एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो जब हम एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे मैं एक तरफ रख देता हूँ, तो ये रहा सिचुएशन जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरा सिचुएशन लेता कि इससे इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करता हूँ। लेट्स से कि मैं इस न्यूट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ, रिमूव्ड। ओके, जब मैं इस ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम से जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स है, अगर मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा। जब मैं इससे 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स -1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, और जो प्रोटॉन होगा वो 8 प्रोटॉन ही बचा रहेगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन को ऐड नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो इस एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 8 - 1, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, वो 8 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8 प्रोटॉन। तो अगर नेट चार्ज की बात करूँ, मैं इस एटम में नेट चार्ज की बात करता हूँ, तो कुछ ये होगा, नेट चार्ज विल बी इक्वल्स टू 8 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है पॉजिटिव 8 चार्ज, एंड 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव 7 चार्ज। दैट इज जब मैं ऐड करता हूँ इसे तो मुझे मिलता है +1, दैट इज कि ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। ओके, तो हमें पता चला कि एक न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यही पॉइंट हमें याद रखनी है कि एक न्यूट्रल एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब हम एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन तो कि जब हम एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम बन जाता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं एक न्यूट्रल एटम से तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है।